हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये सीरीज़ यहाँ तक नहीं देखी है तो आई बटन में जाइए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी कि हम कहाँ कहाँ गए और अभी कहाँ पे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ, तो आइए आपको ले चलते हैं। इस पुल से अगर आप राइट जाते हैं तो सीधा बस स्टैंड की तरफ जाएंगे और थोड़ा आगे ही रेलवे स्टेशन भी पड़ जाता है। और अगर आपको हरिद्वार जाना है तो फिर सीधे निकल जाइए। हमें हरिद्वार जाना है तो हम सीधे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है अभी तक। हम सुबह सुबह नीलकंठ निकल गए और वहाँ से आते ही सीधा चल दिए हरिद्वार की तरफ। तो अभी हमारी खोजबीन चल रही है कि कहीं अच्छा सा खाना खाया जाए, उसी के इंतज़ार में देख रहे हैं कोई बढ़िया सा ढाबा मिले वहीं पे रोका जाए। तो चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं कहीं अच्छा खाना। यहाँ से देहरादून वाला रोड अलग निकल जाता है। और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद आखिर हमें एक ढाबा मिल ही गया और हम बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और सभी बड़ी उत्सुकता के साथ थालियों को देख रहे हैं कि कब इनमें रोटियां आएंगी और हम खाएंगे। बंदे ये देखिए थालियों की तरफ कैसे देख रहे हैं। अच्छा चल के चल ले भाई, चल ले, देख ले, इसी मदद निकल जाते हो। ये अपने बैटरी का है। बंदे तो भाई साहब अचार ही खाना शुरू कर दिए हैं। और खाना खाने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं हरिद्वार की तरफ। अभी हम हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में ही रुके हुए थे। तो देखिए नज़ारे हरिद्वार के, महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। दोनों तरफ टेंट लगे हुए हैं और नहाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रबंध कर दिया गया है महाकुंभ के लिए।
फिर से पहुंच चुके हैं हरिद्वार में गंगा किनारे, और सामने आप देख रहे होंगे मनसा देवी माता का मंदिर जहां हम आपको फर्स्ट डे घुमा के लाए थे। यहां पर वार्तालाप तो बहुत सारा हुआ, लेकिन सेल्फी स्टिक की वायर लगी होने के कारण आवाज़ नहीं आ पाई, जिसके कारण हमें वॉइस ओवर देना पड़ रहा है बाद में। मार्केट में घुसते ही सब लोग ख़रीदारी के लिए टूट पड़े हैं, सब बिखर चुके हैं, सब अपनी अपनी ख़रीदारी में लग गए हैं और हम अपनी वीडियो बनाने में लग चुके हैं। तो आप भी देखिए हरिद्वार की मार्केट और यहाँ की अद्भुत चीज़ें, कितनी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। देखिए देखिए कान्हा जी के झूले और उनकी ड्रेसेस कितनी अच्छी अच्छी हैं। ये हाथ की दस्तकारी किए हुए बैग लग तो बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन भाई साहब इनकी कीमत भी बड़ी ज़बरदस्त है, 1500 से लेके 3000 रुपये तक। ये बजरंगबली जी जच रहे हैं पूरा। शंख ही शंख। अभी हमारे साथियों की ख़रीदारी पूरी नहीं हुई है, इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम लगाया है इन्होंने ख़रीदारी करने में भाई साहब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।